और अब आप ये देख सकते हो मेरे पास एक 19 mm का टुकड़ा है, और इस 19 mm के टुकड़े के ऊपर मैं आपको WNGS लगा के दिखाने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो दरवाज़ा है वो कहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि हर एक अलग अलग जगह पर अलग अलग इंजिस लगाया जाता है। तो अब आपको ये तय करना है कि आपका दरवाज़ा कहाँ पर लगने वाला है, भले ही वो 25 mm का हो या फिर 19 mm का हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हो ये कपाट वाली साइड है जहाँ पर सनमाइका लगानी रहती है। तो अभी आपका दरवाज़ा है 19 mm का है, ठीक है। तो अगर आपका दरवाज़ा इस तरह से ये लगता है तो यहाँ पर ये सनमाइका लगाने के कारण हमें यहाँ पर भी सनमाइका लगानी पड़ती है। अगर हम यहाँ पर ये WNGS लगाते हैं तो इसकी ये भाग दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये डक इंजिस लगा सकते हो या फिर आप ये जेड इंजिस यहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका दरवाज़ा इस तरह से ये खुलता है तो आपको यहाँ पर WNGS ही लगाना है, क्योंकि ये इस तरीके से अपना दरवाज़ा आने के कारण ये अपनी ये धार नहीं दिखेगी। तो आपको यहाँ पर ये WNGS ही लगाना है अगर आपका 19 mm का पल्ला है तो। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपके दरवाजे इस तरीके से खुलते हैं, जैसा ये एक पल्ला हो गया और ये एक पल्ला हो गया, तो ये दोनों इस तरीके से खुलते हैं तो आप यहाँ पर WNGS लगा सकते हैं, क्योंकि सामने सनमाइका आने के कारण अपने इंजिस दिखेंगे नहीं। और ख़ास तौर पर 19 mm के अंदर आपको WNGS का ही प्रयोग करना है, मेन चीज़ यही है, इसी पर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अब ये हमारा 19 mm का दरवाज़ा है, तो इसके ऊपर मैं आपको ये WNGS लगा के दिखाने वाला हूँ। तो मैं फ़िलहाल एक डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये सेंटर में मार्किंग करूँगा, तो कुछ इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है, ठीक है। ये अपना मार्किंग हो गया, और अब आप ये इंजिस की साइज़ देख सकते हो, ये लगभग 200 होती है अपनी, ये इसकी ये साइज़ आ रही है, ठीक है। तो अगर आपके दरवाजे के ऊपर सागवान की पट्टी लगी हुई है 300 वाली, तो यहाँ पर ये कट मारकर आप ये पट्टी का टुकड़ा निकाल कर खांचा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके दरवाजे के ऊपर सागवान की पट्टी नहीं लगी हुई है, यहाँ पर आपने सनमाइका की पट्टी चिपका रखी है, तो आपको इस कटर मशीन के अंदर इसका गेज बांध लेना है, और इसका आपको लेवल का गेज नहीं बांधना है, इससे एक सूत ज़्यादा ही आपको अपनी कटर मशीन के ब्लेड को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा खांचा लग चुका है कंप्लीट, और जब आपका ये खांचा लग जाएगा तो आपको इस तरीके से इसको सीधा देख लेना है, ये कहीं ये ऐसा राउंडिंग इस तरीके से, ये खड्डा इस तरीके से आपको ये नहीं करना है, इसको आपको एकदम सीधा ही खांचा लगाना है। और अभी अपना WNGS है, यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और फिर आपको इस तरीके से ये मार्किंग कर लेना है। अब ये हमारा ये मार्किंग हुआ है, तो हमें यहाँ पर इसका खांचा लगाना है। तो खांचा इसके अंदर कितना लगाना है, आप ये इसका ये साइज़ देख सकते हो, ये कितना ये इसका थिकनेस आ रहा है, उतना ही आपको इसके अंदर खांचा लगाना है, यानी कि जो आपकी ये पत्ती लगेगी तो ये लगने के बाद ये लेवल हो जानी चाहिए। इससे आपको ज़्यादा खांचा नहीं मारना है, अगर आप इसे ज़्यादा खांचा मार देते हो तो आप ये देख सकते हो ये इंजिस की घूंडी, ये जो अपना इंजिस है ये बाहर आ सकता है, तो आपको ज़्यादा खांचा नहीं लगाना है। और अगर हम इस इंजिस का यहाँ पर ये खांचा नहीं लगाते हैं तो आप ये देख सकते हो, जब हमारा ये इंजिस यहाँ पर लगता है तो ये बहुत ज़्यादा गैप रहता है इसके अंदर, तो ये 2-2.5 फुट का गैप हो रहा है, तो इतना गैप दरवाजे के अंदर नहीं चलता है। तो इसके लिए हमें इस दरवाजे को यहाँ पर खांचा लगाना पड़ता है। और हालांकि अगर हम यहाँ पर ये खांचा ना लगाएं तो इसका खांचा हम इस धार के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये आप धार के ऊपर खांचा लगाते हो तो अपना दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वहाँ पर ये धार टच हो जाएगी, तो इसलिए आपको ये खांचा दरवाजे के ऊपर ही लगाना है। मेरे पास ये राउटर मशीन है, तो मैं इसकी मदद से यहाँ पर खांचा करने वाला हूँ, लेकिन अगर आपके पास राउटर मशीन नहीं है तो आप इस पर्ची की मदद से यहाँ पर खांचा लगा सकते हो। सो ये आप देख सकते हो, हमने इसके अंदर खांचा कर लिया है, इस इंजिस का हमने यहाँ पर ये खांचा कर लिया है, और ये एकदम लेवल में आ रहा है, आपको इस तरीके से खांचा लगा लेना है। लेकिन अगर आप फर्सी की मदद से इसका खांचा लगा रहे हो तो आपको ये आगे आते हुए थोड़ा ज़्यादा खांचा लगाना है, क्योंकि जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये इस तरीके से बरोबर बंद नहीं हो पाता है, ये बार बार आगे आता है इस तरीके से, तो ये इंजिस अपना खींच मारता है, तो इसके लिए आपको आगे से थोड़ा इसको ज़्यादा खांचा लगा देना है, तो ये आपका दरवाज़ा बड़ी आसानी से बंद हो जाएगा। सो ये हमारा खांचा यहाँ पर लग के कम्प्लीट हो चुका है, आप ये देख सकते हो, अपना ये इंजिस भी एकदम इसके लेवल से थोड़ा सा ये कम हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको खांचा लगा लेना है, और अब मैं यहाँ पर ये इंजिस को इस तरीके से लगा देता हूँ, आप ये देख सकते हो हमारा ये कंप्लीट इंजिस इसके अंदर लग चुका है। और अब मैं आपको इसको लगा के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इस इंजिस की ये जो धार दिख रही है, इसको आपको इस तरीके से बराबर टच कर लेना है, और फिर यहाँ पर ये स्क्रू लगा लेना है।
आप ये देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर ये 19 mm का इंजिस लिया है, तो ये इसकी ये लेवल आ रहा है। और जब हमने इसका ये खांचा लगाया है तो आप ये गैप देख सकते हो, एकदम ये 3 mm का गैप आ रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको इंजिस लगा लेना है। डब्ल्यू इंजिस में अगर आप 19 mm लगा रहे हो, 12 mm लगा रहे हो या फिर 6 mm लगा रहे हो, सेम इसी तरह आपको इंजिस लगा लेना है। आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा दरवाज़ा इस तरीके से ये खुल रहा है और इस तरीके से हम इसको बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर डक इंजिस लगा रहे हो तो आपको इस दरवाजे को चेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर डब्ल्यू इंजिस लगा रहे हो या फिर जेड इंजिस लगा रहे हो तो आपको चेन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये दरवाज़ा इतना ज़्यादा खुलता है तो यहाँ पर ये लेमिनेट टूटने का चांस रहता है। इसके लिए आपको इस दरवाजे को चेन लगा देनी है। और अगर आपको डक इंजिस कैसे लगाते हैं, जेड इंजिस कैसे लगाते हैं और ये एल इंजिस कैसे लगाते हैं, इन तीनों का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ये एक प्रोसेस है डब्ल्यू इंजिस लगाने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।